मुंबई सहित महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तूफानी चक्रवात ताऊते का असर देखने को मिला है। लगातार जारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। सैकड़ों जगह पर पेड़ टूट कर गिर गए हैं, कई जगहों पर घर टूट गए, दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। देर रात से ही महाराष्ट्र के मुंबई, उत्तरी कोंकण, ठाणे और पालघर के हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मुंबई के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और कुछ विमानों को भी डाइवर्ट करना पड़ा। वैक्सीनेशन का काम भी रोक दिया गया है। बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी एहतियातन के लिए बंद कर दिया गया है। चक्रवर्ती तूफान ताऊते के चलते कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। अकेले मुंबई में पेड़ गिरने की 132 घटनाएं सामने आ चुकी है। नवी मुंबई में 8, कल्याण डोंबिवली में 22 और ठाणे में 28 जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। ताऊते तूफान की वजह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर मकान हुए क्षतिग्रस्त, कई जगहों पर छतें टूटे, पोल उखड़ गए। सिंधुदुर्ग में सबसे अधिक 536 ऐसी घटनाएं, रत्नागिरी में 61, ठाणे और रायगढ़ में 2-2 मामले मिले। मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाके रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, पालघर में लगातार तेज हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार यह क्रम अगले कुछ दिनों तक चलता रहेगा।